प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं भूमि सुधार विभाग जो है यानी LRC डिपार्टमेंट, उसमें जो है वैकेंसीज निकाली गई थी DLRS के नाम से, वेरियस पोस्ट जिसमें अमीन, कानून को, ASO और क्लर्क था। इसका एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो है दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब जो है फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि लोग उस रिज़ल्ट के अनुसार अपना ज्वाइनिंग देख सकें कि उनको ज्वाइनिंग मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो यहां पे एक न्यूज़ जो है अलग अलग ग्रुप्स में वायरल हो रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बंदोबस्त पदाधिकारी में ने कार्यभार संभालते ही सर्वे क्षण कार्य में तेजी लाने का निर्देश, भू सर्वेक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सुनील कुमार ने ये जो है यहाँ पे कहा है। ये मुंगेर ज़िले का ये अपडेट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा 2013 सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के आलोक में जिला बंदोबस्त पदाधिकारी सुनील कुमार ने सोमवार को पदभार ग्रहण करते ही बंदोबस्त कार्यालय में अपना कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दिया। सर्वेक्षण कार्य में बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाने को लेकर बुधवार को जिला बंदोबस्त कार्यालय में जिले के सभी विशेष सर्वेक्षण ASO की बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान सर्वप्रथम विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अशोक कुमार, पल्लवी सिंह, ऋतुराज, इस तरीके के कई सारे थे जिन्होंने पदाधिकारी को बूके देकर स्वागत किया। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा सभी ASO और कर्मियों से परिचय प्राप्त करते हुए सर्वेक्षण कार्य की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान सभी ASO एवं अपने अपने शिविर कार्यालय में चल रहे विशेष सर्वेक्षण अभियान को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। सर्वेक्षण के बारे में यहाँ पे जो है आपका बताया गया। बंदोबस्त पदाधिकारी ने जो है सभी कर्मियों को अपने कार्य में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विशेष सर्वेक्षण अभियान सरकार की मुख्य कार्यों में शुमार है। इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कर्मियों को अपने सभी प्रकार की फाइनल आदि का संरक्षण करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही जो है वे सभी शिविर कार्यालयों का बारी बारी से निरीक्षण करेंगे ताकि वहां की यथास्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके, रैयतों को किसी प्रकार की परेशानी ना पहुंचे, उसका विशेष ख्याल रखने का नसीहत भी दी। तो ये अपडेट यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। और एक और अपडेट आप लोगों को मैं बता दूँ, आज से एक दिन पहले यानी 8 फरवरी को यानी कल के डेट में जो है कुछ कैंडिडेट BCC बोर्ड पहुँचे। उन्होंने जो है BCC बोर्ड पहुँचकर अपनी बात रखी कि जो है DLRS जो वेरियस पोस्ट का निकाला गया है उसका मेरिट लिस्ट कब तक आएगा या ज्वाइनिंग हम लोगों को कब तक करवा लिया जाएगा। इससे रिलेटेड बातें पूछी गई जो वहाँ पे IAS ऑफिसर्स हैं उनसे। तो वहाँ पे जब बात किया गया तो वहाँ से रिज़ल्ट यही मिला कि संडे तक या फिर अपकमिंग संडे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर बात किया जाए तो 20 फरवरी तक जो उम्मीदें बताई जा रही है कि 20 फरवरी तक जो है आपका रिज़ल्ट जो है जारी किया जा सकता है। 20 फरवरी से पहले भी वो आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 20 फरवरी तक आप यहाँ पे वेट कर सकते हो जो कि बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, कई बार वहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन्स मिलते थे
लेकिन कई बार वो सही नहीं होता था। अब बस इंतज़ार करना है, चेक करना है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही है या फिर नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जब आप पूछोगे तो वहाँ पे बोल देंगे कि हाँ इतना तारीख को आएगा, लेकिन जब आप वापस आ जाओगे घर पे तो पता चलेगा कि वो डेट पार हो गया, लेकिन उस डेट को कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिस जो है देखने को नहीं मिला। तो ये चीज़ है। ओके, तो प्लीज़ वेट टिल 20 फरवरी, है ना, 20 फरवरी तक इंतज़ार करो, बाकी देखो क्या होता है आगे आने वाले समय में। ओके, थैंक यू।